हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया फूड ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरे गांव का नाम है फलासी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ रुद्रप्रयाग, मेरा कुछ काम है, और रास्ते में मेरे को मिलेगी दीदी, तो मैं आपको बाद में ही मिलती हूँ। शिवी और दीदी से भी मिलाऊंगी बाद में। तो चलती हूँ मैं अभी घर से। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 8 बजे से। और मेरे गांव में देख सकते हो कितनी अच्छी धूप लगी हुई है, और पीछे से मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि गाड़ी तो होगी नहीं रोड पर, वो टाइम टाइम की जाती है हमारे गाँव से, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलती हूँ मैं अभी। तो जो मैंने नीचे सोचा था गांव में कि गाड़ी नहीं होगी, पर नहीं है गाड़ी, अब मैं पैदल ही चलती हूँ। तो दोस्तों, मिली है मेरी दीदी से। हेलो दोस्तों, सुनो कुकी, हेलो बोलो, गुड बाय, प्रणाम करो, मौसी को प्रणाम करो, प्रणाम करो, जय कर दे, प्रणाम करो, जय कर दे, पा भी कर दे, पा कर दे। तो हम रुद्रप्रयाग में पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, मेरी दीदी चले गई है ज्वेलरी वालों के पास, उसका कुछ काम था, और मुझे जाना है डॉक्टर के पास। वो मुझे हर महीने जाना है, तो आज भी जा रही हूँ मैं, चलती हूँ अभी। और इसके बाद मुझे मिलेगी राधा, तो मैं आपको राधा से भी मिलाऊँगी बाद में। तो मिलिए राधा से। हेलो गाइस, बाय। ये इतना शर्माती है कि क्या बोले अब। शर्माती भी हूँ मैं, शर्माती बहुत ज़्यादा। हाँ, अब मैं जा रही हूँ घर। गाइस, हम यहाँ पे अभी छोले भटूरे खा रहे हैं, मैं और दीदी। ये तो नहीं खा रही है, पर दीदी और मैं खा रहे हैं। बहुत शर्मीली है ये, उसको भी निकालना। नहीं हूँ मैं शर्मीली। दोस्तों, अभी मेरी दीदी जा रखी है पार्लर में थ्रेडिंग बनाने, और ये गुटर हो रही है, और ये राधा के नखरे हो रहे हैं रील्स बनाने के। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, मम्मी मम्मी। तो हम चलते हैं अब दीदी के पास। और राधा घर जाने लग गई है, तो बाय राधा, बाय बाय, बोले बाय करो, बाय करो, बाय बाय दी, बाय रे। ओ दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आके पता क्या हुआ, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरी हालत डाउन हो गई थी गर्मी से। तो मैं घर आई, मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा आराम किया, सो गई थी। और अभी शाम को देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है। जब सुबह गई थी उस टाइम पे बहुत धूप थी, पर अब बारिश आने वाली है शायद। और मेरे साथ है खुशी, हम दोनों जा रहे हैं रोड पे घूमने के लिए, और कल ये भी चले जाएगी शादी में। हाँ, फिर वहीं से निकल जाएंगे ये लोग। तो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, ये है हमारे भगवान जी का कुंड, जिसमें इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है। इसका पानी सूख जाएगा, पर इसका नहीं सूखेगा। गर्मियों के टाइम पर भी ये ऐसे ही भरा रहता है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, हमारे गांव वाली रोड पे कोई धूप नहीं है, वो चले गई है उस साइड। और वो दूसरा गाँव है, ऊपर भी दूसरा गाँव है, और वो भी दूसरा गाँव है। तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बता रखा था, और कई लड़कियां यहाँ पे देख सकते हो, गांव की औरतें, मतलब चाची जो भी हैं, भाभियां, ताई जी, वो ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, ये पता नहीं क्या ला रहे हैं, सीमेंट ला रहे हैं सारे। हमारे गांव की रोड को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसे बस 2 साल, अभी 2 साल हुआ है, इसलिए ये पक्की नहीं है अभी, इसका डामनीकरण चल रहा है। तो जो उस साइड वाली रोड है, वो भी हमारे गांव, मतलब गांव को आती है, वहीं से आ रखी है रोड, तो वहां तो पक्की हो गई है धीरे धीरे, और यहां तक आ गई है बीच में, फिर हमारे गांव पे भी पक्की हो जाएगी है। और अभी हम दोनों जा रहे हैं आगे तक, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, वैसे मैं, मेरा मन नहीं करता है ज़्यादा घूमने का, मैं घर पे ही रहती हूँ, पर आज खुशी है, कल ये भी चले जाएगी। तो हम आ रखे हैं रोड पे, और यहाँ चारों तरफ देख सकते हो कैसा घना जंगल है, और हमें ना मिल जाए कहीं बाघ, तो हम
वैसे बाघ क्या मिलेगा, हम तो चल रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ, बस हैं तो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, पर इसको देख सकते हो, जब देखो फ़ोन पे लगी रहती है ये, छोड़ो इसको, क्या बोलना है अब तो। हम आगे तक चलते हैं दूसरे गांव तक, क्योंकि कल से मैं अभी नहीं आऊँगी और खुशी भी चले जाएगी, तो चलती हैं अभी घूमते फिरते हैं। गांव की रोड पक्की हो गई है उधर तक, और आज हम इस साइड आ गए हैं, और काफ़ी टाइम लगेगा उधर जाने तक, और ये अपना काम कर रहे हैं। वैसे काफ़ी लोग आ रखे हैं घूमने के लिए, तो दोस्तों अंधेरा हो गया है बाहर, और मैं वीडियो को एंड करना भूल गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं सोनिया भट्ट, मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।